dear children heartiest welcome in english class how are you hope that all of you are well and safe at your home today we will read chapter 8 that is fire friend and foe of your book honeycomb dear children these are expected learning outcomes which will be achieved by us after reading this chapter i divided this chapter in two parts today

हाउ डू वी कंट्रोल इट हम इस पर किस प्रकार नियंत्रण रखते हैं नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टेंड दायर फ्रेंड एंड दोस्त और शत्रु अर्लीमैन डिडेंट नो वट फायर वॉज बट ही मस्ट है डैमेज इट कु आदि मानव यह नहीं जानता था कि आग क्या होती है परंतु उसने इससे होने वाली क्षति अवश्य देखी होगी ही मस्ट बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ स्वयं आग का प्रयोग करने से बहुत पहले उसने आकाशीय बिजली तथा ज्वालामुखी पर्वतों को बड़े ध्यान से देखा होगा फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइट आग शक्तिशाली और खतरनाक थी और वह इससे भयभीत था फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आग ने आदि मानव को दुविधा में डाल दिया होगा परंतु अब हम जानते हैं कि आग एक रासायनिक क्रिया का परिणाम है वेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जब वायु की ऑक्सीजन किसी ईंधन की कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रसायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस इस क्रिया में ताप तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है दिस इज वट वी कॉल फायर इसी को हम आग कहते हैं Three things are needed to make fire: fuel, oxygen, and heat. आग जलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है ईंधन ऑक्सीजन और ताप वुड कोल cooking गैस एंड पेट्रोल आर सम examples ऑफ फ्यूल लकड़ी कोयला कुकिंग गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन वायु से प्राप्त होती है दैट इज वाई वेन यू ब्लो ऑन स्मर्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इन टू फ्लेम यही कारण है कि जब आप सुलगते हुए कागज को फूंक मारते हैं तो यह प्राय जल उठता है द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट आग बनाने के लिए तीसरी जरूरी चीज है ताप फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देम सेल्स और एल्स अ न्यूज पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन ईंधन और ऑक्सीजन अकेले आग पैदा नहीं कर सकते अन्यथा खुले में पड़ा समाचार पत्र अथवा लकड़ी की छड़ी अपने आप जल उठती टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर किसी कागज अथवा लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं तभी उसमें आग उत्पन्न होती है वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच हम यह काम प्राय जलती हुई तिल्ली से करते हैं एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर पहुंचकर यह आग पकड़ता है दिस टेम्परेचर इज कार्ड द फ्लैश पॉइंट और किनलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल इस तापमान को ईंधन का ज्वलनाक अथवा ज्वलन तापमान कहते हैं इट इज समाइम्स सेट दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर कभी कभी यह कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक परंतु बुरा स्वामी है इट ऑनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल इसका केवल यही अर्थ है कि आग तब तक ही अत्यंत लाभकारी होता है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाता है फॉर इंस्टांस वी यूज इट टू कुक आवर फूड वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी उदाहरण के लिए हम इसका प्रयोग खाना पकाने सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने और बिजली उत्पन्न करने में करते हैं बट ऑन दर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस परंतु दूसरी ओर यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह बड़ी खतरनाक हो सकती है ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर हर साल हजारों घर और दुकाने आग से तबाह हो जाते हैं वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड विशाल वन क्षेत्र भी नष्ट हो जाते हैं तथा सैकड़ों लोग या तो मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट जिस प्रकार आग जलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार आग बुझाने के लिए भी तीन मुख्य तरीके हैं इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडिड फॉर बर्निंग इज टेकिंग अवे जिन तीन चीजों की आवश्यकता आग जलाने के लिए होती है आग बुझाने के लिए उनमें से एक को हटा दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल उदाहरण के लिए हम ईंधन को हटा सकते हैं इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस यदि आग को ईंधन नहीं मिलेगा तो आग जल ही नहीं सकती वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट हम प्राय आग बुझाने के लिए उसमें और अधिक ईंधन डालना बंद कर देते हैं द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट आग बुझाने का दूसरा तरीका है ऑक्सीजन को आग तक ना पहुंचने देना नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने का अर्थ है आग का ना होना स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक छोटी मोटी आग को उस पर गीला कंबल या बोरी डालकर बुझाया जा सकता है दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल इससे ऑक्सीजन जलती चीज तक नहीं पहुंच पाती समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल यह भी ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंचने देती डियर चिल्ड्रन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल There is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you, be happy, and safe.